हेलो दोस्तों, मैं कृति आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहारी मटन स्टू। बहुत टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, आप भी इसे ज़रूर अपने घर में एक बार बनाएं। बनाना भी बहुत आसान है। चलिए इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 1 केजी मटन लिया है। इसको मैं धो के अच्छे से धो लूँगी, इसमें पानी ना रहे। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये मैंने 2 लहसुन को कूट के डाला है इसमें। और 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और फिर मैं इसमें डालूँगी तेल, थोड़ा सा तेल डालना है। ये मैंने 5-6 खड़े लहसुन डाल दिए हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये मैंने 1/2 केजी प्याज को सिंपल तरीके से काट लिया है। और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैं इसे हाथ से मैरिनेट करूँगी। हाथ से मिला लेने के बाद मैंने यहाँ कुकर में करीब 200 ml तेल गरम किए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ खड़ा गरम मसाला, जिसमें गोल मिर्च पाउडर, दालचीनी, छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, जीरा और सूखा मिर्च है। अब मैं सारे मसालों को तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दूँगी। ये सारा खड़ा गर्म मसाला डाल देते हैं हम। अब इसे कुछ देर पकने देते हैं। जब ये लाल हो जाए तो हमारा जो मटन है मैरिनेट किया हुआ, फिर इसमें ऐड करेंगे, डालेंगे। ये देखिए मसाला थोड़ा सा पकने लगा है, ये अच्छे से लाल हो जाता है तो फिर इसमें हम अपना वो जो मैरिनेट किया हुआ मटन है वो डाल देंगे। ये मैंने सारा मैरिनेट किया हुआ मटन को इसमें डाल दिया। अब कुकर का जो ढक्कन है उसके रबड़ को और सीटी को हटा देंगे। इसे पकने में कुल 1 घंटा का टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाएगा आपको इसे बनने में। इसका फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे और इस ढक्कन को लगा के हम पकाएंगे। मैंने यहाँ रबड़ और सीटी को हटा दिया है। अब बीच बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट के अंतराल पे ढक्कन खोल के चलाते रहेंगे। ये देखिए मटन पक रहा है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये प्याज के पानी से ही पकेगा और ग्रेवी भी प्याज के पानी से ही बनेगा, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे और 40 से 50 मिनट पकाने के बाद ये हमारा मटन देखिए बनके लगभग रेडी है दोस्तों। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है और ये लहसुन भी पक चुका है। ये लहसुन भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मटन के साथ लहसुन ज़रूर डालें, इसका टेस्ट भी बहुत सुंदर होता है। मटन हमारा लगभग पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए मटन पक के रेडी हो चुका है। चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।